पूरे राज्य में ईद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद की मुबारकबाद देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में ईद के मौके पर पहली नमाज अदा की गई। इसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे थे। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लग चुकी हैं। यहां महागठबंधन खेमे में आरजेडी अपने सहयोगी कांग्रेस और हम के साथ रणनीति बनाने में लगे हैं। वहीं एनडीए की ओर से भी तैयारी की जा रही है। गया मामले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के आइकॉन राज बल्लभ यादव जैसे लोग हैं। जेडीयू ने आरजेडी पर इस मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। वैशाली में पिकअप वैन और कार की जोरदार टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। सिवान में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई। आरोपी बेटे ने मां को ईडी न देने पर मारकर खेत में फेंक दिया। ग्रामीणों ने अधमरी हालत में आसमा को अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ एक तांत्रिक ने झाड़फूंक के बहाने एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जख्मी किशोरी को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। गया में हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में आरजेडी नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आरजेडी नेताओं ने पीड़िता को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी से नीचे उतारा था और सड़क पर सैकड़ों लोगों के बीच नारेबाजी की। अररिया की पुलिस ने हाईवे पर अवैध वसूली करने वाले फर्जी इंस्पेक्टर और 2 नकली सिपाहियों को रंगे हाथ को दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और इस गिरोह को दबोच लिया। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बेतिया में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के परिवार वालों से बाइक की मांग की जा रही थी, जिसे दिसंबर महीने में देने का करार हुआ था। इस मामले में मृतका की सास को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में शराब से भरी लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी कार आग में खाक हो गई। मौके पर पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।